बच्चों विद्यार्थियों, आपने अब तक मैक्स वीबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत पढ़ा। अब उनका दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, मैक्स वीबर की नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वीबर की ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही। नौकरशाही मैक्स वीबर की एक विशेष देन है। प्राचीन समय में राजा का शासन होता था और वंशानुक्रम के आधार पर पिता से पुत्र को सत्ता हस्तांतरित होती थी और ये सब सुनिश्चित था। जब युग बदला और अब ये व्यवस्थित नहीं है कि कब किसके पास कौन सी शक्ति और सत्ता रहेगी, इसलिए जब आज राज्यों का कार्य क्षेत्र बढ़ गया और साथ ही प्रजातांत्रिक विचारों के पनपने से सरकार में जनता का प्रतिनिधित्व बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आज अधिकांशतः प्रजातांत्रिक सरकार का गठन प्रजा के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और इसलिए ये संभावना बनी रहती है कि सरकार किसी भी समय बदल सकती है। सरकार की इस बदलती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए और इस उद्देश्य से कि सरकार का कार्य ठीक ढंग से चलता रहे, नौकरशाही का विकास हुआ। नौकरशाही क्या है? नौकरशाही उन संगठित कर्मचारियों का बोध करवाता है जो कि एक स्थायी संस्था के रूप में निरंतर कार्य करता है और शासक के बदल जाने पर भी उस पर कोई आँच नहीं आती और वह बदले हुए सरकार के प्रतिनिधियों को सुचारू रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करता है। यानी जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हों, छोटे बड़े सभी तरीके के पदों पर कार्य करते हों, उसको हम नौकरशाही कहेंगे। साधारण बोलचाल में नौकरशाही को लाल फीता शाही से लगाया जाता है। लाल फीता शाही का मतलब कोई भ्रष्टाचार लगाता है या अपने से ज़्यादा फाइलों की चिंता करना लगाया जाता है। नौकरशाही का पहले लास्की प्रयोग कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि नौकरशाही शब्द साधारण रूप से उस शासन पद्धति के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें नियंत्रण कर्मचारियों के हाथ में हो और उनकी शक्ति साधारण नागरिकों पर शासन करती हो, अर्थात साधारण नागरिक जब चाहें शासन सत्ता का फेरबदल करवा सकते हैं। मैक्स वीबर ने नौकरशाही का एक आइडियल प्रारूप प्रस्तुत किया था। पहले भी आपको बताया उसमें सामाजिक क्रिया में कि मैक्स वीबर ने नौकरशाही अपने सिद्धांत में आइडियल और तार्किकता, आदर्श प्रारूप और तार्किकता को विवेक विशेष स्थान दिया। मैक्स वीबर ने नौकरशाही में तार्किकता तथा विवेकशीलता को प्रमुख स्थान दिया। उनका कहना है कि नौकरशाही की शुद्ध रूप की परिभाषा उनकी मुख्य विशेषताओं में देखी जा सकती है। मैक्स वीबर के अनुसार नौकरशाही आधुनिक समाज और सरकार की रीढ़ या मेरुदंड है। संपूर्ण समाज का की प्रशासनिक व्यवस्था इसी के माध्यम से होती है। आप देखिए ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो आपने देखा, ब्यूरो शब्द एक मेज या डेस्क से लगाया जाता है जिसके चारों ओर बैठ के लोग काम करते हों, इसलिए नौकरशाही को मेज प्रशासन भी कहा जाता है। ब्यूरो का अर्थ पद या पद स्थान से है, तो यहाँ हो गया अधिकारियों का शासन। अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी शब्द का बहुत सारे अर्थ हैं। कर्मचारी तंत्र, नौकरशाही, सेवक तंत्र एवं अधिकारी तंत्र के रूप में इसका नाम लिया जाता है। तो अधिकारी तंत्र जिसमें सभी लोग काम करते हों, मिलजुल कर छोटे से लेकर बड़े तक विभिन्न पदों पर कार्य करती हूँ। मैक्स वीबर की नौकरशाही की व्यवस्था को समझने से पहले आपको एकाध परिभाषा दूसरी समझनी पड़ेगी। कोजर तथा रोजनबर्ग कहते हैं कि नौकरशाही को एक ऐसे संस्तरणात्मक, संस्तरण समझते हो ना, उतार चढ़ाव, उच्च और निम्न पदों की व्यवस्था, यानी नीचे से छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे ही ऊपर से करेंगे तो पहले बड़ा और फिर छोटा छोटा। नौकरशाही को ऐसे संस्तरणात्मक संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी नौकरशाही क्या है? एक संगठन है जिसमें विभिन्न पदों पर, छोटे और बड़े पदों पर व्यक्ति काम करते हैं, जिसका निर्माण बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कार्यों को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए अनेक व्यक्ति के कार्यों को समायोजित करने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी एक जिसका गठन किया गया है, एक संरचना है। हमारे यहाँ तीन तरीके की व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, सरकारी, गैर सरकारी और अर्ध सरकारी। तो यहाँ जिस संस्थान में, जिस संस्थाओं में ये सभी बहुत सारे लोग मिलजुल कर उस संस्थान को चलाने के लिए काम करते हों, उसको हम नौकरशाही के रूप में
परिभाषित करेंगी। यानी नौकरशाही क्या हो गया, कोई भी ऐसा संगठन, कोई भी ऐसा संस्था जिसमें प्रशासकीय कार्यों को चलाने के लिए बहुत से व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है और सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सभी व्यक्तियों किसी एक दूसरे के बिना वहाँ पर कार्य नहीं चल सकता, और जो मुख्य अधिकारी है या जो मुख्य है वो चाहे रहे या ना रहे लेकिन कार्य में व्यवधान नहीं आएगा। एमएम मार्क्स कहते हैं पद सोपान, पद सोपान अभी बताया ना संस्तरण, पद सोपान विभिन्न पदों का क्रम विन्यास, उतार चढ़ाव, क्षेत्राधिकार, विशेषीकरण, क्षेत्राधिकार जो जहाँ जो शासन करता है उसके क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और वो उनका प्रयोग कर सकता है। विशेषीकरण, जिस पद पर उसका चयन हुआ है वो विशेषता हासिल किए हुए, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिस कार्य का वो अधिकारी है वो पूरी तरह जानकार है, निर्धारित वेतन सब कुछ निश्चित है, और नौकरी में स्थायित्व यानी वो नौकरी में उसका भविष्य सुरक्षित है। ये नौकरशाही संगठन की प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं कि व्यक्ति अब उसका जो चयन हुआ है, उसका जो चुनाव हुआ है, उसने जिस पद को पाया है वो उसे ऐसे ही नहीं मिल गया, वो किसके आधार पर मिला है, उसकी निर्धारित योग्यता के आधार पर, यानी वो अपने अपने कार्य में सभी लोग विशेषता हासिल किए हुए हैं। तो ये फिर मार्क्स का समझते हैं। मार्क्स कहते हैं कि नौकरशाही तार्किक एवं विवेकशील नियमों पर आधारित है, यानी अपने मनमाने ढंग से कोई किसी को ना हटा सकता है, ना रख सकता है, ना वेतन में कोई फेरबदल कर सकता है, इसके लिखित नियम होते हैं यानी जो देखे जा सकते हैं बुक के रूप में सब चीज़ें, इनके अधिकार सत्ता तथा दायित्वों का संस्तरणात्मक विभाजन पाया जाता है, यानी किसमें कितना अधिकार होगा, कौन का दायित्व क्या है और उसके पास कितनी सत्ता है, कितना वो प्रयोग कर सकता है, जिसका उद्देश्य किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक या अन्य किसी भी प्रकार के संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, व्यापारिक, औद्योगिक कोई भी ऐसा संगठन जिसमें पद सोपान के आधार पर, निर्धारित योग्यता के आधार पर व्यक्ति कार्य करते हैं और अधिकारी के रहने या न रहने से जहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी व्यवस्था को हम नौकरशाही कहेंगे। नौकरशाही में विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में एक समन्वय है और वो कहते हैं तार्किक नियमों की एक व्यवस्था होती है। तो नौकरशाही एक संस्तरणात्मक संगठन है जिसमें सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं।